और बोतल खोले, डीपी ऑयल लिया, बस थोड़ा घोले और घोल बना के सीधा सीधा अगरबत्ती डुबा दिए और निकाल दिए। तो ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है अगरबत्ती को परफ्यूमिंग करने का। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। और यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि भाई फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, अच्छी खुशबू नहीं हो रही है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अगर आप करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो है एक छोटा सा सॉल्यूशन हमने निकाली है, कुछ बेसिक प्रोसेस है इसमें, जो कि मैंने 24 आवर एवरेज हमने जो प्रोसेस किया हुआ है, जिसमें रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला। और एक पैकेज आपको देखने को मिलेगा, ये पैकेट्स में से हम जो बेसिक डिटेल्स है, ये सारे हम लोग एज अ सारे कस्टमर्स के पैकेजिंग बॉक्सेस है, उसमें हम लोग डाल रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में एक छोटा सा अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या होता है कि जब भी हम परफ्यूमिंग का प्रोसेस करते हैं, तो हम काफ़ी जल्दबाजी में करते हैं सारी चीज़ें, कि आज हमने परफ्यूम खरीदी, वो हमारे पास पहुँचा और बॉटल खोले, डीपी ऑयल लिया, बस थोड़ा घोले और घोल बना के सीधा सीधा अगरबत्ती डुबा दिए और निकाल दिए। तो ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है अगरबत्ती को परफ्यूमिंग करने का। एंड क्या होता है कि अगर हम जल्दबाजी से कोई भी चीज करते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि भाई फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, अच्छी खुशबू नहीं हो रही है, और लास्टिंग नहीं कर रहा है फ्रेग्रेंस। जो अगरबत्ती होती है वो लॉन्ग टाइम नहीं चल रहा है, 2 महीने 3 महीने में फ्रेग्रेंस खत्म हो जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? और ये जो एक कारण जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कारण और सबसे जो है जरूरी, तो इसी का एक सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन, जिसे आप अपने प्रोडक्ट में एज अ जो भी वर्क है आपका, उसमें इम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा आपके अगरबत्ती में, चाहे वो किसी भी तरीके का अगरबत्ती हो, चाहे ब्लैक से आप काम कर रहे हो या फिर व्हाइट से काम कर रहे हो। इसी का जो है एक छोटा सा सॉल्यूशन हमने निकाली है। और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो कि परफ्यूमरी हमसे एज अ परचेज कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, और ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ वो भी उनके लिए है। और ये चीजें हम लोग एज अ जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं, सारे जो ऑर्डर्स हैं सब में एक छोटा सा नोट्स हमने ये रेडी किया हुआ है, और इस नोट्स में क्या क्या चीजें आपको एज अ करनी पड़ेगी, जो वर्ड्स हैं या फिर जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक बड़ा चेंजेस रहेगा और एक नया जो है चेंज आपको अपने अगरबत्ती में देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, जो बेसिक जो प्रोसेस है बस वही चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो पहला, जैसे मैंने 4-5 टॉपिक्स, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स मैंने एज अ वो जो नोट्स है उसमें रेडी किए हुए हैं, और ऊपर में एक छोटा सा ये इम्पोर्टेंट नोट फॉर अगरबत्ती डीपिंग प्रोसेस। सो फिर ये फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले आपको एक अच्छा और सुगंध के लिए रॉ अगरबत्ती का आटा होना काफी जरूरी है। कभी कभी क्या है, हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा मालूम है कि भी रॉ अगरबत्ती अच्छी होना चाहिए एक अच्छा फ्रेग्रेंस के लिए। तो आप या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर आप इसे एज अ खरीद रहे हैं कहीं से भी, तो इसकी क्वालिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, चाहे इसमें किसी भी तरीके की आपके पास कैटेगरीज हैं, चाहे आप ब्लैक अगरबत्ती यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके पास एज अ व्हाइट या फिर ब्राउनिश स्टिक है, तो रॉ मटेरियल्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। सेकंड, आपका जो डाइल्यूशन रेशियो, ये परफ्यूम्स है, इस परफ्यूम में बेसिक जो भी जहां से आप खरीदते हैं, नो डाउट्स आप हमसे भी खरीदते हैं, तो हमारे पास तो काफी सारे ऐसे लिस्ट हमने तैयार किए हैं जिसमें पूरा A to Z आपको प्राइस से लेकर डाइल्यूशन सारी चीजें स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाती है। और बाकी आप कहीं से भी खरीदते हैं तो उनसे खरीदने के टाइम पे डाइल्यूशन रेशियो जरूर पूछ लीजिए कि भाई स्टैंडर्ड रेशियो क्या आएगा। कई कई लोग क्या है ना, सस्ती परफ्यूम में भी 10-12-15 का डाइल्यूशन दे देते हैं, जो कि कहीं से भी आपको लगेगा कि वो उतना डाइल्यूशन में टूटेगा नहीं, बाय द वे टूटता होगा तो अच्छी बात है, बट ये सेकंड जो स्टेप है उसमें ये काफी ज्यादा जरूरी रहती है कि आपका डाइल्यूशन रेशियो परफेक्ट होना चाहिए।
थर्ड प्रोसेस जो है, तीसरा जो मैंने टॉपिक्स में एड किया है, तो इसमें हमने ये किया है कि डीपी ऑयल का जो बेस है, वैसे तो परफ्यूम भी अच्छी क्वालिटी की होनी काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो डीपी ऑयल है जिसमें जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मार्केट में आप जानते हैं कि कौन कौन से डीपी ऑयल्स चलते हैं, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसके साथ साथ डीपी ऑयल के साथ साथ इसके जो कुछ बेसिक प्रोसेस है इसमें, जो कि मैंने 24 आवर एवरेज हमने जो प्रोसेस किया हुआ है जिसमें रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला, तो एक छोटा सा जार आप खरीदें जो भी हो, या फिर पुराने जार होंगे आपके पास वो भी चलेगा, उसमें जो भी आपका रेशियो है उस रेशियो में डीपी ऑयल के साथ मिक्स करके आप उसे कुछ टाइम तक एवरेज, मैंने ये टाइम अपने हिसाब से दिया है 24 hours, मतलब 24 घंटे के लिए आप ये प्रोसेस करें, तो क्या होगा, जो डीपी ऑयल के जो बेस मेनिकोल्स हैं या फिर जो परफ्यूम्स के बेस एल्डिहाइड्स हैं या फिर जो उसमें नोट्स हैं, वो आपस में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएंगे और फ्रेग्रेंस की लास्टिंग जो है आपकी काफी लंबे टाइम तक बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा स्टेप, इसको फॉलो अप जरूर करें। फोर्थ में क्या है, इसके बाद आपका जो डीपिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप एवरेज 6-8 घंटे तक इसे सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसे पैकिंग का प्रोसेस करें। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्या कर दें कि ऑयल पूरी तरीके से सूखा नहीं रहता और हम लोग जो है पैकेजिंग या फिर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें डाल देते हैं, उससे क्या होता है जो डीपी के ऑयल्स के जो लिक्विड होते हैं वो आपके पॉलीथीन्स को एज अ जला देते हैं, ये चीजों को आप ध्यान रखें। और ये लास्ट प्रोसेस है कि इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आप पैकिंग कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है, ज्यादा और आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, आप कुछ समझदार हैं और जो नए लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये 5 स्टेप्स हेल्पफुल रहेंगे। इसका मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सॉरी एक नीचे गिर गया और है मेरे पास, इसका एक छोटा सा मैं स्क्रीनशॉट्स में इसके डिटेल्स मैं डाल दूंगा, इसे आप फॉलो जरूर करें। और जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको परफ्यूमरी जा रही है या परफ्यूम्स वो खरीद रहे हैं, उनको तो हर एक प्रोसेस में, हर एक मतलब जो उनके ऑर्डर्स हैं उनमें एक एक पेजेस हम लोग भेज ही रहे हैं। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, इसमें भारतवासी है, तो इसके बिल के साथ में एक पेज आपको देखने को मिलेंगे। ये एक कस्टमर का ऑर्डर है, ये है रवि देवता फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात के लिए, तो यहाँ पे देखिए बिल अभी मेंशन नहीं हुआ है और एक पैकेट आपको देखने को मिलेगा। ये पैकेट में सेम जो बेसिक डिटेल्स है ये सारे हम लोग एज अ सारे कस्टमर्स के पैकेजिंग बॉक्सेस है उसमें हम लोग डाल रहे हैं, ताकि उन्हें जो है काम करते समय या परफॉर्मिंग करते समय इन बेसिक चीजों का नॉलेज रहे। एक और ऑर्डर है जो कि पूरा फुल फिल पैकिंग किया हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगी, रमनदीप कौर फ्रॉम पंजाब के लिए ये पार्सल जो है आ रहा है। एक और बड़ा पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी परफ्यूम, ये सारे प्रोडक्ट जो है अभी एज अ परफ्यूम ही कस्टमर्स को भेजे जा रहे हैं। और ये बड़ा पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगा, कॉमलेस मॉडल फ्रॉम ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो इन सारे पैकेजों में ये आपको इस प्रोसेस जो है देखने को मिलेंगे, कीजिए इसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं उसे भी आप फॉलो जरूर कीजिए। और उम्मीद यही रहेगी कि इससे आपको एक बड़ा चेंजेस आपके प्रोडक्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।